नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर रहस्य अभी गरमाया हुआ है कि सनकी तानाशाह मर गया या जिंदा है। इसको लेकर अमेरिका से लेकर चीन तक सभी जगह अटकलों का बाजार गर्म रहा। इसी बीच किम ने बाहर निकलकर संकेत दिया कि वो जिंदा है, लेकिन फिर गायब हो गए। और एक बार फिर ये संकेत मिल रहे हैं कि दाल में कुछ काला है और अभी भी पूरी दुनिया के सामने रहस्य बरकरार। इसी बीच सन की तानाशाह को लेकर एक उलट पलट कर देने वाली खबर आ रही। ये इशारा किया है किम जोंग उनके दोस्त ने और पूरी दुनिया के सामने मौत की अटकलों के बाजार को खत्म कर दिया। किम के दोस्त अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर डेनिस रॉडमैन ने खुलासा किया कि अगर उनकी बहन टीवी पर ज्यादा नजर आती है तो दुनिया जान जाएगी कि तानाशाह के साथ कुछ गलत हुआ। डेनिस ने दावा किया है कि वो किम को लेकर उड़ रही अफवाहों के बाद से लगातार उत्तर कोरिया के संपर्क में रहे। किम और डेनिस के बीच 2013 में दोस्ती हुई थी। डेनिस उत्तर कोरिया का दौरा भी कर चुके हैं। अप्रैल में कई दिनों तक पब्लिक में नजर नहीं आने के बाद किम के बारे में ऐसी अफवाह थी कि हार्ट सर्जरी के बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन बाद में प्योंगयांग की तरफ से एक वीडियो जारी कर इन अटकलों को खारिज कर दिया गया था। उधर डेनिस ने आगे कहा, मेरी नॉर्थ कोरिया में बात होती रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप टीवी पर उनकी बहन को देखते हैं देश को चलाते हुए, तब आपको लगता है कि कुछ गलत है। मैं सिर्फ आपको यही बताने वाला हूँ। डेनिस की बात से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि किम की बहन उनकी जगह रिप्लेस करेंगी। इसके साथ ही साथ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि किम जिंदा है और वो खुद ही पूरी दुनिया के सामने अपनी खबर बनवा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता, लेकिन जो होगा वो रहस्य और रोमांच से भरा ही होगा, क्योंकि ये एक सनकी तानाशाह की कहानी है।